हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रितेश पियर्सन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो फोटो बनाने वाले हैं वो एक मैनिपुलेशन फोटो है एंड आई एम श्योर कि आपको ये फोटो जरूर पसंद आएगा। एंड इस फोटो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम फोटो को तैयार करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में हम फोटो में, अगर आपने देखा हो, जो छोटे छोटे फोटोज हैं उनको बना के एंड दोबारा से सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड जो लोग चैनल के नए हैं भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये जो फोटो है हमारा दो स्टेप्स में बनेगा, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम फोटो को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसमें बैकग्राउंड को सेंड करके ओपन कर लूंगा अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एंड यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना जो मॉडल है वो लेके आ जाना है। तो आपका जो फोटो देखिए आपको कुछ इस तरीके से खिंचाना है, जिसमें देखिए सिंपली आपको अपना जो फ़ोन है आपसे उसे सेल्फी ले रहे होंगे एंड फोटो का टाइटल भी सेल्फी स्टार है। तो अब देखिए सिंपली मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा क्योंकि मैंने जो इसका बैकग्राउंड है वो पहले से इरेज किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसे ऐड फोटो कर लूँगा एंड जिन लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता वो वीडियो को देख लें कि हाउ टू इरेज बैकग्राउंड। तो सिंपली हम इसे यहाँ से सेट कर देंगे। इसके बाद आप इसे ले जाएंगे यहाँ से इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक में जाने के बाद फेटल वन, फेटल वन को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आप इसके फेड को बिल्कुल जीरो कर देंगे। यहाँ से फिर हम इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करेंगे जो हमें पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं आपको नॉर्मली कहूँ तो आप जो है केवल स्किन स्किन को इरेज कर देंगे। एंड गाइस, इसके बाद हम इसे यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद आप इसकी जो फेड है इसे भी आप कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो लगभग मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा इसे डन एंड इसके बाद मैं इसे अगेन यहाँ से डन कर दूंगा एंड इसके बाद मैं ऐड फोटो पे क्लिक करूँगा एंड एक हेयर का PNG। एंड अभी मैंने रिसेंट वीडियोज़ में आपको बताया था कि आप हेयर का PNG कैसे सेट कर सकते हैं एंड अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आपको एक बार वो वीडियो देखना चाहिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं इसे यहाँ से कर दूंगा डन। हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे ब्यूटी टूल में एंड यहाँ से आप सबसे पहले स्मूथ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी जो स्किन है अभी वो स्मूथ नहीं हुई है, तो हम इसे मैनुअली भी स्मूथ करके देख सकते हैं। तो मैनुअली करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको स्किन को स्मूथ कर देना है। ओके, मैं इसे कर दूंगा यहाँ से डन एंड मैं इसे यहाँ से अगेन डन कर दूंगा। तो देखिए हमारा जो फोटो है अब वो तैयार हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ड्रॉ टूल में आ जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को कर देंगे सेव। जी हाँ, इस फोटो को सेव कर देंगे एंड अब एक जो नई लेयर है, अब आपको ये सेकंड स्टेप यहाँ से चालू हो चुका है। नई लेयर पे आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको देखिए एक पेपर का PNG मिल जाएगा जो कि मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा एंड नीचे वाले फोटो को पहले मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा एंड इस फोटो को देखिए कुछ इस तरीके से घुमा के मैं सीधा कर लूँगा। अब जो हमने फोटो अभी सेव किया है, एक न्यू लेयर लेंगे पहले यहाँ से एम्प्टी लेयर एंड अभी जो हमने फोटो सेव किया था मैं उसी को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। देखिए ये वाला फोटो एंड मैं इसे यहाँ से कर दूँगा डन। डन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसे नीचे वाली बिल्कुल फ़ोटो पे लगाना है। देखिए मैं घुमा के लगा दूँगा इसे, तो 3 डॉट पर क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड इसे आप इस तरीके से लगाना है। यहाँ से आप डन कर देंगे एंड इसके बाद आप देखिए इरेजर पे जाएंगे एंड इरेजर पे जाने के आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से बॉक्स लेंगे, इसे आप नीचे जाके कर देंगे फिल। फिल करने के बाद ओके, ओके करने के बाद आप देखिए सिंपली मैं बॉक्स बनाऊंगा कुछ इस तरीके से एंड मैं इसे ऐसे यहाँ से कर दूंगा। तो बॉक्स को हम यहाँ से बड़ा भी कर लेंगे, तो ये लगभग इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। इसके बाद एक नेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा एंड मैं इसे यहाँ से कर दूँगा क्लिक। अब देख सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो कर देंगे सेव इमेज एंड आपका ये फोटो सेव हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप आ जाएंगे बाहर, डिस्कार्ड कर देंगे एंड अब आप यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड अभी जो हमने फ़ोटो यहाँ पर बनाया उसको आप दोबारा से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ से इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद जाएंगे यहाँ से ब्लर, ब्लर में जाने के बाद मोशन ब्लर, मोशन ब्लर की जो है आपको ऑपेसिटी जितनी भी रखनी उतनी रख सकते हैं। तो मैं लगभग इसे इतनी रखूंगा एंड इसे यहाँ से कर दूंगा डन। डन करने के बाद आप इसे देखिए, सबसे पहले एक फ़ोटो को मैं पीछे लगाऊंगा एंड एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। सो गाइस, इसे आप यहाँ से कर देंगे डन एंड इसे हम इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको इसी तरह लगा, हमने इसे इस तरह इसलिए लगाया ताकि ये लगे कि ये हमारे बैकग्राउंड में है,
तो मैं इसे हल्का सा छोटा कर दूंगा यहाँ से एंड इसे यहाँ से कर दूंगा डन। गाइज आपको हर फोटो को ऐसे ही लेना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करना है, इसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, इसके बाद मोशन ब्लर देंगे इसे एंड मोशन ब्लर इसमें ज़्यादा दे देंगे एंड इसे यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद दोबारा से फोटो को सेट करेंगे तो एक फोटो को हम यहाँ पर सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर डन कर देंगे। एक बार दोबारा से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, इसी फोटो को ऐड करेंगे एंड इसे हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड अगेन डन कर देंगे। इसके बाद दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, इसी फोटो को यहाँ से ऐड करेंगे, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह आपको एक दो फोटो और सिलेक्ट करके उसे मोशन ब्लर दे देंगे। जैसे ही यहाँ से हो जाए इसके बाद आप यहाँ से ड्रॉ टूल में आ जाएंगे एंड फोटो को सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे। एंड इसके बाद आप इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे एंड लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद सबसे पहले लाइट्स में आएंगे एंड इस फोटो का जो टेम्परेचर है उसको आपको हल्का सा बढ़ा देना है एंड टिंट को आप हल्का सा यहाँ से घटा देंगे, टिंट को आप यहाँ से हल्का सा बढ़ा देंगे एंड इसके टेम्परेचर को भी हल्का सा एक बार देख लेंगे एंड इसके बाद फोटो की वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे एंड इसके सेचुरेशन को यहाँ से कम कर देंगे। इसके बाद मिक्स टूल पे क्लिक करेंगे, ऑरेंज कलर की जो आपको लूमिनेंस है उसे बढ़ा देंगे एंड इसकी सेचुरेशन को कम कर देंगे। इसके बाद पिंक कलर की लूमिनेंस को बढ़ा देंगे एंड इसकी सेचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ से बढ़ा देंगे। एक बार रेड कलर की जो है सेचुरेशन को भी यहाँ से हल्का सा बढ़ा देंगे एंड इसे आप यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद ऊपर लाइट पे क्लिक करेंगे, फोटो के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, इसके हाईलाइट्स को कम कर देंगे, इसकी शेडोज़ को भी कम कर देंगे आप यहाँ से एंड वाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे एंड ब्लैक्स को भी हल्का सा कम कर देंगे। इसके बाद नीचे विग्नेट टूल पे आएंगे, फोटो की क्लैरिटी को बढ़ाएंगे एंड फोटो को विग्नेट कर देंगे हम यहाँ से कुछ इस तरीके से एंड इसके बाद यहाँ से आ जाएंगे क्लैरिटी टूल में, यहाँ से फोटो को हल्का सा शार्प कर देंगे एंड एक बार फिर से हम आ जाएंगे यहाँ से कलर टूल में एंड कलर टूल में हल्का सा टिंट वगैरह को हम एडजस्ट करके देख लेंगे। तो हमारा फोटो देखेंगे हम पिक्सआर्ट में कैसे था, तो देखेंगे हमारा फोटो जो पिक्सआर्ट में था वो था कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे आने से हमारे फोटो में जो रियलिटी डली है उससे हमारा फोटो कुछ इस तरीके से हो गया है एंड इसके बाद हम थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव टू डिवाइस कर देंगे। एंड गाइस जो लोग इस फोटो को बनाते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या प्रीतेश कृष्ण भी सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।